दोस्तों, मैं भवननाथ और एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। सो आज मेरा है 2021 का फर्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई होप इस ईयर आपकी आर्ट जो है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेगी एंड आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप वो अचीव कर पाएंगे। सो इन्हीं सभी बेस्ट विशेष के साथ आज के इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक ड्रॉइंग टूर है जिसके अंदर मैं आपको अपनी सारी 2020 की अपनी बेस्ट ड्रॉइंग्स दिखाऊंगा एंड जितने भी मैंने आर्ट वर्क्स किए थे 2020 में, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, लाइक ग्रेफाइट, चारकोल, वाटर कलर या एक्रिलिक पेंट या जिस भी मीडियम में मैंने किए थे, मैं आपको अपने सारे आर्टवर्क्स का एक टूर देने वाला हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग्स पसंद आएंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई रियली रिक्वेस्ट यू क्योंकि इस 2021 ईयर में आई होप कि मैं 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मैं काफी नजदीक हूँ एंड आई रियली विश कि इस मंथ मेरा 50K सब्सक्राइबर्स कैसे भी कंप्लीट हो जाए। सो प्लीज गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको मेरी ड्राइंग्स पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो मैंने ड्रॉ किया था काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में एंड फोल्डर्स में, डिफरेंट स्केच बुक्स, स्मॉल साइज, बिगर साइज काफ़ी एंड डिफरेंट तरह के पेजेस में। तो आज मैं आपको अपनी सारी ड्राइंग्स दिखाऊंगा इन सारी फाइल्स में या जो भी मैंने 2020 में की थी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ड्राइंग से। सो 2020 की मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी एंड ये ऑलमोस्ट मैंने शायद 5 या 6 जैन को अपलोड किया था एंड इस वीडियो में मैं आपको सभी जो ड्राइंग्स दिखाऊंगा वो उसी ऑर्डर में होंगी जो मैंने यूट्यूब में अपलोड की थी। सो ये जो पेंटिंग थी वो एक एक्चुअली कमीशन वर्क था, इसलिए अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए मैं आपको इसका केवल एक फ़ोटो ही दिखा रहा हूँ। देन आती है ये ड्राइंग जो कि मैंने 6 जैन को अपलोड की थी ऑलमोस्ट एंड ये मैंने एक प्रिंटर मैन के कॉन्सेप्ट पे ड्रॉ की थी। सो मैंने इसे प्रिंटर के फॉर्म में एक बनाने का ट्राई किया था बट उतना सक्सेसफुल तो रहा नहीं, बट मुझे ड्राइंग अच्छी लगी शेडिंग वाइज। आपने देखा भी होगा वो चैनल DPR ड्राइंग, उससे इंस्पायर होकर मैंने इसे ट्राई किया था। देन मैंने ड्रॉ की थी सारा अली खान की ये ड्राइंग जो कि मैंने कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन से बनाई थी एंड ये मैंने ग्रेफाइट में बनाई है कम्प्लीटली। सो कम्प्लीटली फुल टू ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करने का ये मेरा फर्स्ट ट्राई था एंड रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ, वरुण धवन की ये A3 साइज की ड्राइंग, ये भी मैंने कम्प्लीटली ग्रेफाइट में ड्रॉ की है। आपको मैं इसका एक अच्छी सी लुक देता हूँ। इसमें थोड़ा फेस उतना ज़्यादा सिमिलर नहीं बना है, मेरी ड्राइंग के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो फेस है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाता क्योंकि मैं आउटलाइन से ज़्यादा फोकस कभी कभी शेडिंग में कर लेता हूँ, तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है। बट आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आउटलाइन पर भी उतना ही फोकस करूँ जितना मैं शेडिंग के वक्त करता हूँ। सो आई होप आगे से ये गड़बड़ नहीं होगी। देन मैंने बनाई थी रिधिमा पंडित की ये ड्राइंग एंड ये भी मैंने कम्प्लीटली ग्रेफाइट से ही बनाई है जैसा कि आप देख सकते हैं। देन उसके बाद के कुछ आर्टवर्क्स मैंने अपने स्केचबुक, नेक्स्ट स्केचबुक में बनाए थे जो कि A4 साइज की है। सो उसके बाद मैंने किया था ये पेन ड्राइंग जो कि मैंने आई की कम्प्लीटली पेन से एक ड्राइंग बनाई थी एंड आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रही है, काफ़ी डिटेल में ड्रॉ करने का मैंने ट्राई किया था एंड ये मेरी शायद सबसे पहली पेन ड्राइंग थी, बॉल पॉइंट पेन ड्राइंग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये वाली ड्राइंग। देन मैंने इसके बाद ही एक कोरोना जब तब स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट मार्च इंडिया में, हाँ लॉकडाउन शुरू हो गया था, देन उस वक्त मैंने ये चारकोल से एक ड्राइंग बनाई थी। सो काफ़ी अच्छे से मैंने इसे शेड नहीं किया है, मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का इसे ट्राई किया था, सो इसलिए उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है बट आई ट्राइड। सो देन उसके बाद मैंने बनाई थी श्री कृष्णा जी की एंड राधा माँ की ये एक्रिलिक पेंटिंग एंड ये एक्रिलिक कलर से मेरा फर्स्ट वर्क था एंड मुझे काफ़ी, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग है। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड इसमें जो मैंने यू नो कैलीग्राफी की है द डिफरेंट टेक्सचर, सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्रिलिक या कोई भी और पेंटिंग वर्क। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाली पेंटिंग। सो नेक्स्ट आता है ये ऑयल पेंटिंग एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल पेंटिंग्स आई हैव एवर डन। सो मैंने एक मॉर्निंग टाइम का एक जंगल सीन ड्रॉ किया था जो कि इस ट्री के पीछे से आप देख सकते हैं गोल्डन लाइट आ रही है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड दो डियर बनाए हैं इस लाइट में मैंने,
सो ये थी मेरी कुछ पेंटिंग्स जो मैंने उस ईयर में की थी, ऑयल एक्रेलिक एंड चारकोल एंड ग्रेफाइट। तो फिलहाल इतने मीडियम तो हो चुके हैं, एंड इसके साथ ही मैंने वाटर कलर में भी वर्क किए हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बट फिलहाल इनको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, आई नीड सम स्पेस। ओके, देन आती है ये चारकोल ड्राइंग जो कि मेरी सबसे फेवरेट चारकोल वर्क है। सो इस ड्राइंग को करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दिया था एंड काफ़ी इन्जॉय भी किया था। देन मैंने बनाई थी ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों का यूज करके रोनाल्डो की ये ड्राइंग, एंड ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट वर्क है। इसमें मैंने स्किन टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं हेयर्स, स्किन टेक्सचर सब पे मैंने काफ़ी डिटेल में वर्क किया था। ओके, देन आती है कैरी मिनाटी की ये ड्राइंग जिसको मैंने ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों में बनाया। देन मैंने एक ये ड्राइंग बनाई थी जब लेजेंडरी एक्टर इरफान खान पासेज अवे, सो उस टाइम पे मैंने ये ड्राइंग बनाई थी जो कि मैंने एज यूजुअल चारकोल एंड ग्रेफाइट दोनों का यूज करके बनाई है, एंड आपको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ओके, देन आती है नेक्स्ट ड्राइंग जो मैंने चारकोल में एक लैंडस्केप वर्क किया था। सो लेट मी शो यू गाइस। सो ये मेरा उतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है क्योंकि इस वाली बुक में उतनी बेटर तरीके से मैं ये बना नहीं पाया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था इसे इरेज करने में, तो पीछे जो हाइलाइट्स हैं वो अच्छे से मैं इसे बन नहीं पाई क्योंकि इसमें से अच्छे से इरेज नहीं हो पा रहा था, बट स्टिल इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड। सो मैंने कम्प्लीटली चारकोल से एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये ड्राइंग बनाई थी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लग रही थी। आप देख सकते हैं जो मस्टेज पे वर्क है, इन स्किन में जो टेक्सचर है उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में वर्क किया था। सो नेक्स्ट ड्राइंग थी साउथ की एक काफ़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, एंड इस पर भी मैंने काफ़ी केयरफुली वर्क किया था, काफ़ी डिटेल में वर्क करने का ट्राई किया था। देन मैंने बनाई थी सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइंग, इसके लिए मैंने केवल एक पेंसिल का यूज किया था एंड काफ़ी कम टाइम में मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर ही इसे बनाया था, सो इसलिए उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, बट कंसिडरिंग द टाइम आई हैव टेकन इट वॉज नॉट दैट बैड। सो ये थी SSR की ड्राइंग। देन मैंने कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन से ये वाली ड्राइंग बनाई थी, एंड ये मैंने कम्प्लीटली ग्रेफाइट से ही बनाई थी, इस ड्राइंग के लिए मैंने कोई भी चारकोल का यूज नहीं किया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की ओर जो कि है इस वाली स्केच बुक में। सो सारी ड्राइंग्स मैं आपको ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ जो मैंने कब कब बनाई थी, कौन से मंथ में बनाई थी, ताकि आपको मेरी ड्राइंग में कितना प्रोग्रेशन हुआ वो आपको पता चल सके, या मैं कांस्टेंट रहा, प्रोग्रेस हुआ, या जो भी हुआ वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी ड्राइंग या उनका आर्टवर्क प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। सो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे आर्ट में प्रोग्रेशन हुआ या सेम रही या ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये मैंने बनाए थे फेवर कैस्टल बाई कलर्स से, एंड ये मैंने कम्प्लीटली कलर पेंसिल से ही ड्रॉ किए हैं, सो कलर उतने ज़्यादा डार्क नहीं थे इसलिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। देन हियर कम्स माई वन ऑफ द फेवरेट आर्ट वर्क। सो ये मैंने कम्प्लीटली चारकोल से ही बनाया था, एंड ये ड्राइंग बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था, जो रूप का टेक्स्चर है स्पेशली उस पर काफ़ी केयरफुली वर्क किया था मैंने। मुझे यूजुअली ग्रेफाइट से ज़्यादा चारकोल में वर्क करने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चारकोल से जो हम इंटेंसिटी गेन कर सकते हैं वो ग्रेफाइट के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे चारकोल के साथ वर्क करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देन मैंने बनाई थी राधा कृष्णा जी की ये ड्राइंग, एंड ये मैंने चारकोल एंड ग्रेफाइट दोनों का यूज करके बनाई थी। सो फेस एंड ये जो इनका मुकुट है उसके लिए मैंने ग्रेफाइट का यूज किया था हैंड में, एंड बैकग्राउंड हेयर्स इन पार्ट्स के लिए मैंने चारकोल का यूज किया था। सो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारा कंट्रोल भी बने रहता है एंड थोड़ी जो डार्कनेस है वो भी बनी रहती है। एंड प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट ड्राइंग कौन सी थी, आई विल बी रियली वेटिंग फॉर दैट। सो अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट ड्राइंग दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाई थी साई पल्लवी की ड्राइंग,
एंड ये मैंने ग्रेफाइट एंड चारकोल से बनाई थी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जो कि अगस्त के आसपास की है। तो 15 अगस्त के लिए मैंने बनाई थी भारत माता की ये पेंटिंग जो कि मैंने कम्प्लीटली वाटर कलर में बनाई थी। एंड इसके लिए मैंने स्टूडेंट ग्रेड के वाटर कलर्स का यूज किया था, बट स्टिल इसमें जो रिजल्ट था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था स्टूडेंट ग्रेड के वाटर कलर यूज करने के बावजूद भी। सो आप देख सकते हैं मैंने आपको अपने 5 मीडियम में वर्क्स दिखा दिए हैं जो कि हैं एक्रिलिक, ऑयल, वाटर कलर, ग्रेफाइट एंड चारकोल। इसके अलावा मैंने सॉफ्ट पेस्टल में भी वर्क किए हैं। मैंने एक्चुअली आपको 6 मीडियम्स में अपने आर्ट वर्क्स दिखा दिए हैं। सो मैंने एक पेंसिल कलर्स में भी वर्क किया है। सो इसके अलावा मैंने एक सॉफ्ट पेस्टल में भी वर्क किए हैं जो कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। सो बने रहिए वीडियो के साथ। देन मैंने बनाई थी ये वाली ड्राइंग जो कि मेरे से थोड़ी ख़राब बन चुकी थी। इसमें आईज जो थी अलाइन नहीं थी, इसलिए मैंने इस ड्राइंग को फाड़ दिया था ताकि मैं इसे दोबारा अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। एंड ये मैंने देन इसे कम्प्लीटली दोबारा ड्रॉ किया। एंड इस बार मैंने जो पिछली बार गलती की थी उसे नहीं दोहराया। एंड आईज मैंने बिल्कुल अलाइन बनाई थी। सो हार्दिक पांड्या की ये ड्राइंग मैंने ग्रेफाइट में बनाई है एंड चारकोल का भी यूज किया है हेयर्स के लिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जो मैंने इस स्केच बुक में बनाई थी बच्चों की। एंड 1 रुपये वाली ड्राइंग पेज में मैंने एक रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाने का ट्राई किया था जो कि है ये। सो मैंने फ्लाइंग बी स्टैंडर राशि की ये ड्राइंग बनाई थी, काफ़ी क्यूट सी ड्राइंग है। एंड ये मैंने 1 रुपये के पेज में ये ड्रॉ की है एंड आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है। एंड एक ड्राइंग जो मैं आपको दिखाना भूल गया था, सो ये ड्राइंग मैंने बनाई थी अप्रैल के वक्त जो कि मैं उसमें आपको दिखाना भूल गया था। सो ये भी बॉल पॉइंट पेन से मैंने ड्राइंग की थी एंड इस पर मुझे इतना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग जो थी उसको करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लिप्स में ये जो टेक्सचर था, सो ये एक और मीडियम हो गया। तो टोटली 8 मीडियम्स हो गए जो मैंने लास्ट ईयर ट्राई किए थे। आई होप कि इस ईयर में और भी ज़्यादा मीडियम्स में अपने वर्क करूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स में या डिफरेंट मीडियम्स में वर्क करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एक ही मीडियम में स्टिक नहीं रहना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। सो नेक्स्ट थी ये वाटर कलर पेंटिंग जो कि मैंने पहली बार प्रोफेशनल वाटर कलर से बनाई थी। एंड जो मेंस का सब्जेक्ट था जो ये ओल्ड लेडी थी उनके फेस क्लोथ्स उस पर तो मैंने काफ़ी डिटेल में वर्क किया, बट जैसे बैकग्राउंड की बारी आई तो ये पेंटिंग ही ख़राब हो गई। बैकग्राउंड मैंने काफ़ी बुरी तरह से मैसअप कर लिया था, काफ़ी ख़राब लग रहा था बैकग्राउंड। बट वाटर कलर से एज मैं ज़्यादा वर्क करता नहीं हूँ इसलिए मुझे बैकग्राउंड ड्रॉ करने की उतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट आई होप कि इस मैं ज़्यादा वाटर कलर से भी वर्क करूँगा एंड अपनी वाटर कलर पेंटिंग को भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करूँगा। सो ये थी मेरी वाटर कलर पेंटिंग। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जो कि मैंने बनाई थी एक और मीडियम में जो कि है सॉफ्ट पेस्टल। सो नवरात्रि के टाइम पर मैंने अम्बे माता की ये ड्राइंग बनाई थी सॉफ्ट पेस्टल में। एंड आप देख सकते हैं सॉफ्ट पेस्टल में मैंने ये इस ईयर में ओनली एक ही वर्क किया था, यही है। तो 2020 में सॉफ्ट पेस्टल का केवल एक यही वर्क था। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। तो MS धोनी की मैंने ये ड्राइंग बनाई थी एंड इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल में वर्क करने का ट्राई किया था। सो इस ड्राइंग का मेरा फेवरेट पार्ट है ये गॉगल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। सो इसमें फेस भी काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। सो या आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट पार्ट कि मेरी आउटलाइन थोड़ा ज़्यादा मैच करती हैं या मेरी ड्राइंग्स का फेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैच करने लग गया आजकल। सो ये मैंने चारकोल एंड ग्रेफाइट का यूज किया बनाया था एंड इस ड्राइंग के लिए स्पेशली मैंने कैमलिन की जो इस पेंसिल थी काफ़ी चीप होती हैं, 30 या 50 के अराउंड उनका प्राइस था, 6 या 7 पेंसिल्स का। सो उनका यूज करके बनाया था एंड उनका यूज करके भी ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनी थी। सो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो भी आपके पास आर्ट सप्लाइज हैं उन्हीं से अच्छी ड्राइंग बनाने का ट्राई करें, ज़्यादा कॉस्टली आर्ट सप्लाइज के पीछे ना भागें क्योंकि आपके पास जो भी है आप उनसे काफ़ी अच्छी तरह से ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है क्योंकि काफ़ी कम कॉस्ट की पेंसिल से आपको मैं बता देता हूँ। ये जो डार्क पार्ट है चारकोल वो भी कैमलिन पेंसिल्स का यूज करके बनाता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 10 या 20 होती है। एंड स्किन का जो पार्ट है वो मैंने बनाया था ग्रेफाइट पेंसिल से कैमलिन की ही जिसकी कॉस्ट 50 थी 6-पैक की। तो आप देख सकते हैं इतनी चीप प्राइसेस की पेंसिल का यूज करके भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग बन रखी है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जो कि फिर से एक वाटर कलर वर्क है एंड आई एम हैप्पी कि इस ईयर मैंने 4-5 वाटर कलर वर्क किए हैं क्योंकि मैं वाटर कलर को यूजुअली इग्नोर ही करता हूँ। सो गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन मैंने ये वाटर कलर वर्क किया था
एंड ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है क्योंकि ये प्रोफेशनल क्वालिटी के वाटर कलर से किया था, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डार्क हैं। हाँ, वाटर कलर में मैं कह सकता हूँ कि चीप सप्लाइज एंड महंगे सप्लाइज में काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो चीप वाटर कलर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप काफ़ी कॉस्टली खरीदें, आप कैमलिन के ही प्रोफेशनल क्वालिटी या स्टूडेंट ग्रेड के भी उतने ज़्यादा बुरे नहीं होते। बट अगर आप आर्टिस्ट ग्रेड के खरीदेंगे जिनकी कॉस्ट 300 के अराउंड ही होती है, उनसे भी आप काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा वाटर कलर वर्क। नेक्स्ट मैंने यूज की थी न्यू स्केच बुक एंड इस पर भी फिलहाल मैंने एक ही ड्राॅइंग की है, दूसरे पर वर्क चल रहा है। सो इस स्केच बुक में मैंने एक ड्राइंग चैलेंज लिया था जिसमें मैंने केवल एक ड्राइंग टूल का यूज करके विद्युत जिम्वाल की ये ड्राइंग बनाई थी। केवल एक ड्राइंग पेंसिल का ही यूज किया था, इसमें मैंने कोई ब्लेंडिंग भी नहीं किया। सो ये था एक ड्राइंग चैलेंज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जो कि मेरे 2020 ईयर की लास्ट ड्राइंग है, एंड वो भी मैंने एक नई स्केच बुक में की थी ये, क्योंकि मेरी बाकी सारी स्केच बुक फिल हो चुकी हैं। दैट्स व्हाई। सो बिली एलिस की ये ड्राइंग थी जो कि 2020 की मेरी लास्ट ड्राइंग है, एंड ये भी मैंने कम्प्लीटली ही चारकोल में बनाई है। सो ये थी मेरी 2020 की सारी ड्राइंग्स। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ड्राइंग्स कैसी लगी एंड मेरी ड्राइंग में प्रोग्रेस हुआ है या नहीं, एंड प्रोग्रेस हुआ है तो आप मेरी प्रोग्रेशन को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100। सो आई रियली नीड दिस गाइज, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इस ईयर अपनी ड्राइंग्स को और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूं और आपके साथ ऐसे ही नए नए ट्यूटोरियल शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।